पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की तो हाईएस्ट मैक्सिमम पारलेखा मंडी में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर फुलवानी में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 32.2 डिग्री सेल्सियस और कटक में हाईएस्ट 32.2 डिग्री सेल्सियस गया। वहीं अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की तो भुवनेश्वर 19.7 डिग्री सेल्सियस और 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कटक में। मिनिमम टेम्परेचर अभी आने वाले कुछ दिनों में जो मिनिमम धीरे धीरे फॉल कर रहे हैं, बाकी ज्यादा बदलाव तो नहीं रहेगा, अभी ठंड बढ़नी शुरू होगी। अगर बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो फिलहाल तो उड़ीसा के ऊपर आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन डे 4 से 1 नवंबर से जो हमारे जो है ईस्टर्ली वेव आने की वजह से मौसम बनने की संभावना है, जिसमें कि डे 4 यानी कि 1 नवंबर को जो हमारे खुर्दा पुरी गंजम गजपति रायगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 2 तारीख को साउथ कोस्टल उड़ीसा पूरा और कंधमाल रायगढ़ कोरबा मलकानगिरी और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद बात करें कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में अगले 4-5 दिन तक कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।